हेलो स्टूडेंट्स दिस इज इजी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स आई होप यू पीपल आर इन्जॉइंग द सेशंस जो जो आपको पढ़ना है जो जो आपके बकेट लिस्ट में है ठीक है आप भेज सकते हो क्या क्या आपको और टॉपिक्स चाहिए अभी तो पूरा एग्जाम्स ही एग्जाम्स है एक बार एग्जाम्स हमारा ओवर हो जाता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट कम करके और भी कॉन्सेप्ट चलेंगे ठीक है एंड मुझे बहुत खुशी है दैट वॉज अ थिंग दैट आई इज वेटिंग फॉर कि स्टूडेंट्स के स्कोर काफ़ी अच्छे आए हैं इंग्लिश में प्री में मैथ्स ने थोड़ा परेशान किया बच्चों को इंग्लिश में तो स्कोर बच्चों के काफी अच्छे आए हैं एंड uh, मैंने पहले भी बोला था एग्जाम्स के पहले भी एंड दिस वॉज द स्माइल ये स्माइल के लिए मैं वेट कर रही थी एंड द सेम स्माइल आई वॉन्ट टू सी ऑन योर फेस आफ्टर योर मेन्स एग्जाम मेन्स में भी एकदम वन नाइन्टी प्लस अच्छे से करोगे आराम से आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एकदम प्रैक्टिस 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 ठीक है एकदम अपने आप को होन कर लेना होन का मतलब इतना पॉलिश कर लेना है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन देखते साथ आंसर टिक करोगे एंड दैट विल बी थ्रू प्रैक्टिस जितना भी पढ़ लो सिर्फ बैच बैच अटेंड करके कुछ नहीं होने वाला है अल्टीमेटली आपने देखा होगा सीजीएल में भी जो वन मंथ का प्रैक्टिस किया था हम लोगों ने ऑफलाइन बैचेस यहां भी मैंने करवाया था जैसे जैसे मुझे टाइम मिला था बट ऑफलाइन लाइन में प्लस अन अकेडमी में भी एक महीने का जो लगातार प्रैक्टिस चला था एंड दैट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन जैसे अभी सीएचएसएल का भी चल रहा है आठ से साढ़े नौ तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इन ऑर्डर टू क्रैक वन डे एग्जाम द ओनली पेनिशिया इज मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट देना है प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम्स में भी आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को हैंडल कर लोगे प्रेशर एंड ऑल चलो आ जाओ क्लोज टेस्ट ये तो बच्चों का बहुत दुख दर्द वाला पार्ट है दुख दर्द वाला पार्ट है और दुख दर्द पार्ट इसलिए है क्योंकि आप लोग बनाना ही नहीं चाहते हो मैं देखती हूँ ग्रामर पढ़ा रही हूँ तो सब लोग छापने में बिजी हो बहुत मज़ा आता है वो कैब पढ़ा रही हूँ उसमें भी बिजी हो छापने में मज़ा आता है बट कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत बोरिंग लगता है क्लोज टेस्ट बहुत बोरिंग लगता है शुरू में लगता है लेकिन एक बार अगर कंपटीशन की दुनिया में कदम रखते हो और एक दो एग्जाम नहीं निकलता है देन यू रियलाइज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोज टेस्ट बच्चे भी ऑफलाइन बैच में आते हैं है। मैम कोई ऐसा बैच चल रहा है जहां पे क्लोज टेस्ट पी क्यू आर एस और पैसेज हो रहा है तो मैं समझ जाती हूँ कि ये तो विक्टम है ग्रामर और वो कैप का ग्रामर वो कैप तो करना है बट इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी रिस्पेक्टेबल स्कोर वेरी गुड स्कोर क्लोज टेस्ट तो बनाने देखती हूँ यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ क्लोज टेस्ट पे व्यूज़ कम आते हैं तो तब मुझे लगता है ये बच्चे समझ क्यों नहीं पा रहे लगातार मैं बोल रही हूँ क्लोज टेस्ट पे व्यूज़ कम आते हैं बच्चों को लगता है कि ये क्या है बहुत बोरिंग है लेकिन यही तो आपको नंबर दिलवाएगा मेन्स में अभी आप स्टेनो का एग्जाम दोगे स्टेनो का एग्जाम आपका मे में स्टेनो का एग्जाम में देखना क्लोज टेस्ट का लेवल पिछले साल जो टी ने सेट किया था स्टेनो का मे टेस्ट का लेवल वॉज वेरी हाई हाई इन द सेंस की वेरी लेंदी बहुत लेंदी क्लोजेस्ट और पैसेज तो इससे दोस्ती करो और दिस इज नॉट अ थिंग टू बी इम्प्रूव इन वन और टू डेज और वन मंथ दिस विल टेक टाइम तो सो यू नीड टू हैव पेशेंस ओके पेशेंस रखना है क्लोजटेस्ट का अप्रोच समझना है काफी सारे क्लोजेस्ट मैंने करवाया भी है और बच्चों के रिस्पॉन्सेज भी अच्छे आए तो क्लोजटेस से दोस्ती करो भाई अच्छे नंबर के लिए नहीं तो मेन्स में आपको ये लटका देगा एक सौ तीस चालीस स्ट्रगल करते रह जाओगे आपको पहुंचना है वन एट्टी नाइनटी वाले पार्ट पे ओके okay, मैं तो चाहूंगी मेरे स्टूडेंट्स टू हंड्रेड लाए बट अच्छे स्कोर के लिए आपको क्लोज टेस्ट से दोस्ती करनी है ठीक है चलो अब आते हैं मुद्दे पे रिपीटेडली बोलते हैं बच्चे समझ भी रहे हाँ पहले हमें क्या करना है सॉरी यहां से शुरू है हमारा टेस्ट वट यू पीपल हैव टू डू डायरेक्टली ब्लैंक को फिल करना शुरू नहीं कर देना जैसे आया शुरू कर दिया फिल करना ओके okay, पहले आपको पढ़ लेना है ठीक है और अपने जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना है एकदम पैसेज से हटना ही नहीं है पैसेज के कॉन्टेक्ट को देखते हुए आपको अपने ऑप्शन चुनना है क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो आपको तो लगेगा ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है बट यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्सट एंड फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज फर्स्ट इन ऑर्डर टू कम टू द करेक्ट ऑप्शन ठीक है करेक्ट ऑप्शन पे आने के लिए पढ़ लेना है किस बारे में है पूरा पॉजिटिव जा रहा है पूरा नेगेटिव जा रहा है समटाइम्स पूरा एक एनाटिकल पैसेज होता है कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस नहीं आया कुछ एडवाइस देते हुए बता रहे हैं तो चलो एक बार हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं इसको ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाए द द द द नीड नीड ऑफ ऑफ आर आर इज समय की मांग है कि इज टू डैश वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देखो दो तरह का एजुकेशन होता है हम जो यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रैकिंग एग्जाम्स एग्जाम्स और जॉब मिल जाए मैथ्स oh. इंग्लिश वाला है बट हम जो एजुकेशन ले रहे हैं नॉट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मतलब अपने लाइफ में अच्छे वैल्यूज होने चाहिए सिर्फ पढ़ लिखने से एजुकेटेड होने से नहीं हो जाएगा नीड टू बी कल्चर्ड कल्चर होना आपको मॉरल एजुकेशन का मतलब होता है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए ईमानदारी होनी चाहिए टॉलरेंस अपने दूसरों अपने साथी के प्रति लव सिंपथी यही मॉरल एजुकेशन होता है इसी को हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं सो अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन दैट वी आर शेयरिंग दिस वैल्यू एजुकेशन ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल रोल इन आर लाइफ ठीक है so, बट हम इग्नोर कर देते हैं उसको तो यहाँ पे इन्होंने जो पूरा पैसेज को फोकस किया पैसेज को कंसेंट्रेट uh, किया वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आज की डिमांड है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन द स्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब वैसे स्ट्रेस का दो मतलब होता है एक स्ट्रेस का मतलब तनाव भी होता है और एक स्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज पे एम्फोसिस एम्फोसिस जोर डालने के सेंस में शुड बी ऑन द वैल्यूज ठीक है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि हमें एम्फोसिस किस पे डालना चाहिए सडन वैल्यूज लाइफ में जैसे धैर्यता पेशेंस ईमानदारी टरेंस सहानुभूति एंड लव फॉर आर फेलो ब्रदरिन एंड सिस्टर्स अपने भाई बंधुओं के लिए आपको ये सब होना चाहिए द स्टूडेंट्स मस्ट भी स्टूडेंट्स तो मार्क्स <laughs> के लिए पढ़ रहे हैं बट अपार्ट फ्रॉम योर मार्क्स नो डाउट लाइफ में इंपॉर्टेंट है द स्टूडेंट्स मस्ट भी इन डॉक्ट्रिनेटेड इन डॉक्ट्रिनेटेड मतलब उसके अंदर ये डालना है स्टूडेंट्स के अंदर ये सब चीज डालना है क्या स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि क्या टू कीप वैल्यूज एज डैश प्रायोरिटी द यंगस्टर्स बाद में भरेंगे द यंगस्टर्स नीड नॉट बी टॉट यंगस्टर्स को सिर्फ यही नहीं सीखाना चाहिए कि हाउ टू डेवलप देअर स्किल्स स्किल्स को सिर्फ डेवलप स्किल्स और टैलेंट्स को सिर्फ डेवलप ही नहीं कर लेना है बल्कि सीखना भी है दे मस्ट ऑल्सो बी टॉट उसे ये चीज़ भी सिखाना है कि जो आपने जो उसने स्किल डेवलप की है वो स्किल को और टैलेंट को वो कैसे यूज कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट 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 ऑफ ऑल सबकी भलाई के लिए कैसे यूज कर रहे हैं वंस वैल्यूज बिकम एवरी वंस प्रायोरिटी इन लाइफ एक बार सबके लाइफ का प्रायोरिटी बन जाता है वैल्यू लाइफ में वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हो तो जितने भी नेगेटिव पहलू है आपके लाइफ से वो ऑटोमेटिकली डैश हो जाएगा वर्ल्ड को चाहिए ऐसे लोग जिसके पास हाई वैल्यूज हो ताकि हमारा वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव इन ओके वेरी फिलोसॉफिकल एंड वेरी गुड पैसेज ठीक है स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या मैम वैल्यूज वैल्यूज पहले तो जॉब चाहिए जॉब चाहिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी आपका वही है बट ये सब भी रखना है लाइफ में ठीक है भलाई भी तो करोगे चलो अब हम अपने वर्ड्स को फिल करते द नीड ऑफ द आर इज टू डैश वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ओके समय की मांग है कैसा एजुकेशन देना चाहिए अब यहां पे आपको डिसाइड करें समय की मांग है समय की मांग है कि ऐसा होना चाहिए होना चाहिए मतलब कुछ अच्छा होना चाहिए इसका मतलब है यहां पे हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए ठीक है वी नीड अ पॉजिटिव वर्ड ओवर ये और देखो रिजेक्ट रिजेक्ट नेगेटिव है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को रिजेक्ट नहीं करना है रिट्रीट रिट्रीट का मतलब होता है वापस बैक हो जाना ओके मूव बैक मतलब बिना थक हार के बिना कोई रिजल्ट लिए वापस हो जाना पीछे लौट जाना इसको पीछे लौट ये भी नहीं होगा सस्पेक्ट करना मतलब संदेह करना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को आप संदेह तो नहीं करोगे दैट आंसर इज और इम्पार्ट का मतलब ये मत समझ लेना कुछ बच्चों के दिमाग में आता है देखा है मैंने बैचेज में इम्पार्ट उनके मन में है कि इम्पार्ट का मतलब होता है पार्ट पाट करना ऐसा कुछ भी नहीं है इम्पार्ट का मतलब होता है टू गिव प्रदान करना सिंपल लैंग्वेज में गिव यू हैव टू गिव टीचर्स, टीचर्स टू गिव वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट एजुकेशन और याद रखना एग्जाम्स में एक एरर आता है इंपार्ट के साथ फोर लगा देते हैं बट इम्पार्ट के साथ टू होता है ठीक है इम्पार्ट टू द टीचर्स इम्पार्ट नॉलेज टू देयर स्टूडेंट इसका मतलब है प्रदान करना okay? चलो इम पार्ट वैल्यू नीड ऑफ द आर इज टू इमार्ट वैल्यू एजुकेशन द द स्ट्रेस शुड बी ऑन वैल्यू सच टॉलरेंस एंड एंड लव फॉर ब्रदर्स सिस्टर्स द स्टूडेंट्स मस्ट बी इनडॉक्ट्रीनेटेड टू कीप वैल्यूज एज डैश की स्टूडेंट्स को सिखाया जाना चाहिए कि अपने लाइफ में ये जो वैल्यूज है ये वाली ऑनेस्टी पेशेंस वाली इसको डैश प्रायोरिटी रखना प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देना और प्राथमिकता की श्रेणी में सबसे ऊपर रेर तो बहुत कम कम प्रायोरिटी नहीं देना लो प्रायोरिटी नहीं देना मियर का मतलब भी होता है बहुत कम ओके मियर इज ऑल्सो कम मियर का मतलब भी यहां पे कम के सेंस में ये भी नहीं होगा आंसर इज टॉप टॉप प्रायोरिटी देना है स्टूडेंट्स को यंगस्टर्स को सिखाया जाना यंगस्टर्स young, को सिर्फ यही नहीं सिखाना चाहिए कि स्किल्स को कैसे डेवलप करना है बट स्किल्स को कैसे यूज करना है फॉर द डैश एंड बेटरमेंट ऑफ ऑल

एनलाज का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना ग्रो करना तो सारे नेगेटिव थिंग्स ग्रो नहीं करेगा ना एक्सपैंड का मतलब भी बढ़ना डेवलप का मतलब भी बढ़ना ये भी नहीं होगा आंसर इज ड्विंडल ड्विंडल का मतलब होता है किसी भी चीज का धीरे धीरे कम होना जैसे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आर्टिक आइस इज ड्विंडलिंग आर्टिक आइस ड्विंडल कर रहा है मतलब ग्रेजुअली कोई भी चीज धीरे धीरे कम हो रहा है जिसको आप बोल सकते हो डिपलीट हो रहा है डिमिनिश हो रहा है रिड्यूस हो रहा है तो जितने भी नकारात्मक पहलू है आपके सारे ड्विंडल हो जाएंगे ठीक है चलो अब लास्ट वाले पे चलते द दा वर्ल्ड डैश नीड्स पीपल विथ हाई वैल्यूज हमारे वर्ल्ड को जरूरत है हाई वैल्यूज वाले लोग की ठीक है ताकि हमारा वर्ल्ड बेटर हो जाए तो देखो क्या हो सकता है द पीपल हार्डली हार्डली ने यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए और आपने देखा होगा जो पूरा क्लोस्टेस जा रहा है पूरा इसका कॉनोटेशन ही पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वर्ड्स पॉजिटिव ही जा रहे हैं हार्डली तो ना के बराबर डायरली अच्छा डायरली अभी छोड़ दो एब नॉर्मली भी नहीं होगा नॉर्मल यहां नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए absently भी नहीं आता डायर जैसे बोलते हैं ना आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी मुझे बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो मैं उसके लिए डायरली वर्ड यूज करूंगी डायरली का देखो वर्ल्ड को बहुत ज्यादा जरूरत है अच्छे वैल्यूज वाले लोग की ठीक है ताकि हमारे वर्ल्ड को अच्छा बना सके चलो हमने क्लोस्टर्स को कंप्लीट कर लिया है ठीक है एक क्लोस्टर्स हमने कंप्लीट किया एंड आई रिक्वेस्ट इट्स नॉट माई

तो चलो अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू